हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस यस लिख दो, जल्दी से यस लिख दो। ठीक है, ओके। संजय की आईडी से बेटा म्यूट कीजिए अपने आप को और म्यूट ही रखिए, ठीक है। सभी को पता है जैसे हम चैप्टर वन पढ़ रहे हैं, इसमें बच्चों हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है ना। पिछली क्लास में हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में देखा था, आज की क्लास में हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, इस पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने जो पिछले क्लास में देखा था वर्ग और वर्गमूल के बारे में, वहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। बेटा वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुना कर देना, है ना। वर्ग का मतलब होता है मान लीजिए मेरे पास, जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अभी मान लो मेरे पास दो है, अगर मैं दो को दो से गुना कर दूंगी तो मैं आपके पास आ गया चार। तो आप बोलोगे मैम दो का वर्ग क्या हुआ, दो का वर्ग चार हुआ। वर्ग का मतलब होता है किसी भी चीज की घात दो होना, किसी भी अंक की घात दो होना। जैसे मैंने आपसे पूछा मान लो कि पांच का वर्ग क्या होगा, पांच का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे मैम पांच की घात दो कर देंगे, यानी कि पांच गुना पांच हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो पांच का वर्ग क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं हम वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, यानी कि उसकी दो उसी संख्या से एक बार गुना कर देना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या की घात दो होना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्गमूल क्या होता है, बिल्कुल इसी का अपोजिट। मैंने अगर बोला कि मान लो मेरे पास वर्गमूल, मैंने पूछा वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या होगा। अच्छा, वर्गमूल का चिन्ह जो होता है वो ऐसा होता है, है ना, इसे हम वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे मैम वर्गमूल 25 का आंसर होगा पांच। पांच कैसे आया, देखो मैंने क्या बताया, पांच का वर्ग 25, वर्ग है 25 और 25 का वर्गमूल उसी का उल्टा, मतलब वो 25 जो है वो किसका वर्ग था वो निकाल लोगे, यहाँ पर हमें वर्गमूल। अब ये निकालते कैसे हैं, देखो कुछ तो संख्याओं के आपको याद ही हो जाते हैं। मैंने पूछा वर्गमूल चार का क्या होगा आंसर, आप बोलोगे दो, क्योंकि आपको याद है कि दो का वर्ग आपका चार होता है ना, ये होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या आ जाए, मान लो मैं एक संख्या लिखती हूँ कि आप वर्ग निकालो 159 का, ठीक है, वर्गमूल निकालो आप 159 का, तो आप क्या कहोगे मैम वर्गमूल करेंगे हम कैसे करते हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, गुणनखंड बनाते हैं, ठीक है। कैसे, नॉर्मल जैसे एलसीएम लेते हैं तो गुणनखंड करते हैं ना, वैसे सबसे छोटे नंबर से हम पहले करेंगे, तो तीन से जाएगा, तीन बन तीन से नहीं जा सकता, ये 13 से जाएगा, ये सबसे छोटा नंबर 13 से ही जाएगा, है ना। आप किसी भी नंबर से देख लो नहीं जाएगा, 13 से ही जाएगा, 13 आ जाएगा, फिर 13 से चला जाएगा 13 आ जाएगा। अब जितने हमारे फैक्टर बने हैं या गुणनखंड बने हैं वो लिख लो। अब क्योंकि वर्ग निकालना है तो हम दो का एक पेयर, दो का जोड़ा बना के एक लिखते हैं, ठीक है, जोड़े बना देते हैं दो दो के सेम सेम नंबर के, क्योंकि वर्ग निकालते, वर्ग में भी यही होता है ना। तो आप क्या बोलोगे मैम वर्गमूल कितने का है, ये 13 का, 13 का 159 का वर्गमूल क्या होगा, 13 होगा। और मैंने अगर पूछा 13 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 13 × 13 निकाल दोगे 159। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ आई हैं या किसी को इसमें डाउट है, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में भी पढ़ा था बच्चे, वर्ग और वर्ग के बारे में, है ना। यस, चलो सभी को समझ आ गया, ओके। तो मुझे एक नंबर देती हूँ, उस नंबर का वर्ग मूल निकालो, वर्ग मूल निकाल के बताओ मेरे पास संख्या जो है, हाँ ठीक है, मेरे पास जो संख्या दी हुई है मैंने वो है 625, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालो, वर्गमूल निकालो अभाज्य गुणनखंड से, और कॉपियां दिखा देना। चलो पहले चैट में आंसर लिख देना, फिर कॉपी दिखा दीजिएगा अपनी, ठीक है। यस, बिल्कुल।
625 का वर्गमूल निकालना है बच्चों, निकालिए जरा, निकालो जल्दी से, दिखाओ मुझे कॉपियां, नॉर्मल कॉपीज दिखा दीजिए, नोटबुक मतलब कैमरा ऑन कर दो। चलो 625 का वर्गमूल, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी निकालो, गुड इवनिंग मैम। पेंसिल लेके बैठेंगे और सभी बच्चे निकालेंगे। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है डॉक्टर रमेश शर्मा की वजह से, वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे, बेटा जल्दी जल्दी दिखाइए कॉपियां, ऐसे काम नहीं चलेगा, नोटबुक दिखाओ सभी। प्रीति झांगरा की वजह से बेटा बहुत काला दिख रहा है आपको, कुछ स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे। संदीप की आईडी से वेरी गुड, शमशेर की आईडी से बेटा कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस कॉपी इधर उधर हिल रही है आपकी। प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड, बहुत अच्छा साफ सुथरा काम किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना था, ये आप क्या करोगे, पहले जाएगा बेटा ये 5 से, है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर जाएगा अगेन 5 से, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से 5 पचम 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, आपको पता है 2 का 1 जोड़ा बनाते हैं, 1 5 आ गया बाहर, इधर से भी 1 आ गया, तो 5 गुना 5 25 हो गया, तो 625 का वर्गमूल 25 होगा, यानी कि 25 को आप 2 बार गुना करोगे तो आपको 625 मिलेगा, यानी कि 25 का वर्ग होता है 625। निशान की आईडी से वेरी गुड। अच्छा ये बताओ सभी को समझ आया है क्या, यस और नो जल्दी से बता दो, फिर मैं क्वेश्चन 4 यस में मैम। पूछूंगी, फिर हम घन घनमूल पे मूव करेंगे, जल्दी बताओ यस और नो, यस और नो। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे, मुझे ना आपको बताना है पोल के अंदर 14 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, 14 का वर्ग आपको बताना है पोल के अंदर। चलो पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में कर दो, 14 का वर्ग करो जरा। चलिए ठीक है वेरी गुड, 14 का वर्ग निकालना है, वेरी गुड, ध्यान से करो बेटा ध्यान से, वर्ग निकालना है, वर्ग वर्ग वर्ग, ध्यान से करिए। चौदह का वर्ग मतलब 14 गुना 14 करना है, करो जरा, वेरी गुड, सबका आंसर चाहिए जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे, वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए, 14 का वर्ग निकालना है। ध्यान से जल्दबाजी मत करो, 14 का बेटा वर्ग वर्ग, चलो सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड,
सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया, वेल डन। जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दो 14 का वर्ग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो कॉल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना था, 14 का वर्ग यानी कि 14 की घात 2, 14 × 14, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 196। जब 14 को 14 से गुना करोगे तो 196। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही था। चलो अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, जैसे हमने वर्ग और वर्गमूल देखा, वैसे ही घन और घनमूल होता है। ठीक है, घन और घनमूल में हम क्या करते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, घन और घनमूल क्या कहता है, जैसे आपने वर्ग देखा था ना, वर्ग में हम एक बार गुना कर देते होते उसी संख्या से, घन क्या होता है बेटा, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना किया जाए तो वह संख्या का घन कहलाता है। जैसे मुझे 5 का घन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 5 को 3 बार गुना कर दूंगी, तो 5 × 5 × 5 है ना, 5 को 3 बार गुना कर दूंगी, तो 5 × 5 = 5 से करी 25 आ गया, और 25 का फिर 5 से कर दिया तो 125 आ गया, तो 5 का घन क्या हुआ बेटा, 125 हुआ। मतलब किसी संख्या का घन का मतलब क्या हुआ, उस संख्या को 3 बार आपस में गुना कर देना। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 2 का घन पूछा आपसे, 2 का घन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, मैम 2 की घात 3, तो आप क्या करोगे, 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, तो 8 आपका क्या हुआ, 2 का घन हो गया। ठीक है, यस। चलो फिर मुझे एक नंबर देती हूँ, उसका घन बताइए। ठीक है, जैसे मैंने पास 3 का घन क्या होगा, 3 की घात 3, 3 × 3 × 3, तो आप पहले 3 को 3 से गुना करोगे, 9 आएगा, गुना 3 कर दोगे 27 आ जाएगा। हाँ जी, चलो मुझे एक नंबर दे रही हूँ मैं, उसका घन बताइए, 9 का घन क्या होगा, 9 का घन क्या होगा, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सभी बच्चे, 9 का घन निकालो। चलो 9 का मतलब क्या हुआ, 9 की घात 2, 3 है ना, 9 × 9 × 9, चलो बताओ कितना होगा, जल्दी से 9 का घन कितना होगा, नौ का घन क्या होगा, 9 को पहले 2 बार गुना करो, 729 9 × 81, 81 को 9 से गुना करो, 729, बिल्कुल सही। ठीक है, 81 को नहीं आता, 9 से यहाँ पर गुना कर दो, 9 × 9 = 72, यस बच्चों। तो घन क्या होता है, उसी भी संख्या को 3 बार गुना कर देना। अब बात कर लेते हैं बेटा, मान लो मेरे पास ये ध्यान से सुनिएगा, माइनस में अगर संख्या हो, आपको मैंने बोला -4 का घन निकालो, तो आप क्या होगे, मैं -4 की घात 3, तो -4 × -4 × -4, तो आप पहले 4 को 4 से गुना करोगे, 16, 16 × 64, 64 आ गया। अब माइनस का साइन देख लेते हैं बेटा, मैंने आपको याद करो बताया था, अगर माइनस के साइन की संख्या, माइनस के चिन्ह जो है उनकी संख्या विषम होती है तो हमारा पास रिजल्ट में माइनस का साइन आता है, और अगर माइनस के चिन्ह की संख्या सम होती है तो हमारा रिजल्ट में, आंसर में प्लस का साइन आता है। पढ़ा था ना, याद है या नहीं, अगर देखो सिंपल याद रखो, अगर माइनस में है, अगर माइनस के ऊपर यहाँ पर जो घात लगी है अगर वो विषम है, विषम संख्या है, तो आपका रिजल्ट में माइनस का साइन आएगा।
ठीक है, और अगर ये विषम संख्या है तो प्लस का साइन आएगा। तो अगर मैं घन की बात करूं, धनात्मक संख्या का घन धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक होता है। मतलब अगर मैं नेगेटिव संख्या का घन निकाल रही हूँ, माइनस वाली संख्या का घन निकाल रही हूँ बेटा, तो आपको हमेशा माइनस में ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है उसका घात 3 है, यानी कि विषम संख्या, और विषम संख्या होती है तो माइनस का साइन लगता है ना। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर सभी बच्चे। अगर मेरे पास संख्या है -6, इसका मुझे घन निकालना है, तो बताओ घन क्या होगा इसका, -6 का घन क्या होगा, यानी कि -6 की घात 3। चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में जल्दी से सभी बच्चे आंसर दो, कॉपियां दिखा देना, फिर आगे बढ़ते हैं। ये चीज याद रखना बेटा, धनात्मक संख्या का घन धनात्मक होता है और ऋणात्मक का घन ऋणात्मक होता है। -6 का घन कितना होगा, आप क्या करोगे? यस बेटा बिल्कुल सही, -6 की घात 3, यानी कि -6 गुना -6 गुना -6 6 6 36 हो गया, और 36 को 6 से गुना कर दो, 6 6 36, 3 हासिल, 6 18 19 20 21 है ना, तो 216 पर साइन आएगा माइनस का। यस बिल्कुल सही। अच्छा इसमें किसी को दिक्कत है क्या? यस और नो में आंसर दो। जल्दी से बता दो बेटा, आपकी आईडी से बेटा म्यूट कीजिए, कीजिए अपने आप को, बताओ हम उन्हें छोड़ने हैं, उन्हें मेरे तरह उन्हें जो आईडी से ना मनोज सुमित भाई तो पढ़ा है जी। ठीक है ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा किसी भी संख्या का घन जो होता है वो पूर्ण घन होता है, ठीक है, यानी कि आप तीन संख्या को 3 बार गुना करोगे उस संख्या को, तभी हम घन मानेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और संख्या, मान लीजिए 75 के आपने अगर गुणनखंड करें तो वो संख्या नहीं आई, बीच में कोई और संख्या आ गई, तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। पूर्ण घन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, वही संख्या होनी चाहिए, तभी वो पूर्ण घन है, जैसे पूर्ण वर्ग देखा था हमने, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं, तो पहले आप उसके फैक्टर अभाज्य गुणनखंड बना लो, अगर वो 3-3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, कुछ बच रहा है, तो वो घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। चलो अब ये देख लो, एक से लेकर बेटा 20 तक के घन मैंने यहाँ पर दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना बच्चों, ये हेल्प करेंगे आपको, लिख लो सभी बच्चे, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक के बेटा घन दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लेना कॉपी में सभी बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान जैसे हमने घन देखा, वैसे ही बेटा घन मूल होता है, घन मूल मतलब जैसे मैंने बोला 2 का घन क्या होगा, है ना, तो आप क्या कहोगे 2 की घात 3 मैम, तो 2 गुना 2 गुना 2 आप बोलोगे 8, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है 8 का घन क्या होगा, अच्छा आप बोलोगे मैम ये तो वर्ग का साइन, वर्गमूल का चिन्ह होता है, तो मैं बोलूंगी इसके आगे मैं 3 छोटा सा लिख देती हूँ, तो ये घनमूल हो गया। तो आप क्या करोगे 8 को पहले फैक्टर बनाओगे, है ना, मतलब अभाज्य गुणनखंड, 2 4 से जाएगा 2 से चला जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, तो कितने क्या आ गए इसके फैक्टर, 2 गुना 2 गुना 2, और आपको पता है 2 से हम 1 लेंगे, 3 2 3 2 से हमारा 1, 3 2 का समूह बनाएंगे और 1 2 लेंगे उसमें से, तो आप क्या कहोगे मैम 8 का वर्ग घनमूल 2 होगा, ठीक है 8 का घनमूल 2 होगा। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, घनमूल और घन जैसे वर्ग और वर्गमूल था सेम वही है, पर वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते थे, घनमूल में हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो। ठीक है चलो फिर मुझे जल्दी से बताओ, अगर मेरे पास 64 है, ठीक है 64 का मुझे घनमूल निकालना है, क्या होगा इसका, मतलब क्या होता है बेटा घनमूल का, मतलब क्या हुआ कि 64 की घात 1/3। अब 64 के हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, गुणनखंड करेंगे, 64 यानी कि पहले 2 से जाएगा, है ना 32 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा कितने 2 आए, 6 बार,
2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आपको पता है, तीन का जोड़ा बनाओगे घन के अंदर घनमूल में, दो और यहाँ पर भी दो, तो 2 × 2 कितना आया 4, है ना। तो आपने इसके क्या किया, 4³ गुना में 1/3, तो 3 से 3 कट गया 4 आ गया। तो आप क्या बोलोगे मैम, 64 का घनमूल 4 होगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या किसी को डाउट है, जल्दी से बता दो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी सबसे। जल्दी से बताओ, सबको समझ आया है? किसी को इसमें डाउट है क्या? मैं एक बार और समझा दो। क्या समझाऊं बेटा, यही वाला? ठीक है, चार के देखो तीन मैंने, क्या? मैंने आपको जैसे बोला कि 64 का घनमूल निकालो, ठीक है। एक तो सिंपल विधि क्या है, आप क्या करोगे 64 के फैक्टर अभाज्य गुणनखंड से पहले गुणनखंड में, 2 से जाएगा 32 आएगा, फिर 2 से जाएगा 16 आएगा, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, ठीक है। तो आपने तीन तीन के जोड़े बना दिए। हाँ जी बेटा। मैम आज हम दो लड़की ज्वाइन है मैम, एक अच्छा ठीक है। तो आपने 2 × 2 किया, यानी कि आपके पास 4 आ गया। तो आप क्या बोलोगे मैम, 64 का जो घनमूल है वो 4 है, ठीक है। आपने बोला 4, मैंने आपको ये दिखाया था, ये 64 से 4 कैसे बना बेटा, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको दिखाया कि घनमूल का मतलब इसका हुआ 64³ 1/3। आपने क्या किया, 4³ लिखा, तभी तो वो 64 बनेगा, है ना। और इसको 1/3, इस 3 से 3 कट गया तो आपका 4 आ गया। तो मैं ये दिखा रही थी 4 कैसे आता है, घनमूल को सॉल्व हल कैसे करते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है एक, किसी भी संख्या उस संख्या की घात 1/2, और घनमूल का होता है 1/3, ठीक है। वैसे आपको अभाज्य गुणनखंड करो, तीन तीन के जोड़े बनाओ, जो जो वहां से एक एक संख्या हमको गुना करके बता दो, ये संख्या होगी, ठीक है। चलो फिर मुझे, अगर सभी को समझ आ गया घनमूल भी और वर्गमूल, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, 512 का घनमूल निकालो, 512 का घनमूल निकालो और मुझे कॉपियां दिखा देना, पहले चैट सेक्शन में कर देना, फिर मुझे कॉपी दिखाइएगा, ठीक है। घनमूल, चलो 512 का घनमूल निकालो। दिखाओ जरा, चलो नोटबुक दिखाओ, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, ठीक है। चलिए पांच सौ बारह का घनमूल निकालना है। ठीक है, ठीक है, 8 आया, यानी कि आपका कहने का मतलब है 8 को आप 3 बार गुना करोगे तो 512 आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया संदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 8, ठीक है। चलो देख लेते हैं, देखते हैं मैंने क्या किया, पहले 512 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, है ना। पहले 2 से किया, तो 2 × 2 = 4, है ना, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, फिर 2 से किया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से किया बेटा, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 8, फिर 2 से किया 32 आ गया, है ना। ऐसे ही गुणनखंड और आगे कर लेते हैं, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1, कितने पेयर बने देखो, 1, 2 और 3, 3 के 3 पेयर बन गए, यानी कि 3 × 2 × 2 × 2, तो आप क्या कहोगे मैम, 8 आया, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, माने कि 512 का घनमूल क्या हो गया, 8 हो गया। अब ये 512 से देखो कैसे बनेगा, इसका मतलब ये हुआ ना, 500 घनमूल
इसका मतलब हुआ कि 512 की घात 1/3। अब आप 512 को कैसे लिख सकते हो, 8 की घात 3, 1/3, 3 से 3 कट गया, 8 आ गया। ठीक है, तो मैंने ये आपको दिखाया है कैसे 512 से 8 आया। ठीक है, क्या सभी को समझ आया है? यस और नो, जल्दी से बताओ, फिर मैं अब क्वेश्चंस पूछूंगी सभी से। जल्दी से बताओ सभी को, यस और नो? ठीक है, ठीक है, चलो फिर मुझे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, सभी बच्चे मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको 8 का घन निकालना है। ठीक है, 8 का घन क्या होगा, यानी कि 8 की घात 3। कॉपी में कर लो, फिर पोल में करना है। ठीक है, कॉपी में कर लो, फिर पोल में 8 का घन निकालो। बच्चों टाइम से जुड़ा करो, ये जो बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं, प्लीज टाइम से क्लास पे आया करो। 8 का घन निकालना है, निकालिए जरा। अभी अभी हमने इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन किया है, अगर आपको याद हो तो। हाँ, मैम, वेरी गुड। ठीक है, आठ का घन, वेरी गुड। ध्यान से बेटा, ध्यान से, घन निकालना है, वर्ग नहीं निकालना है। 8 का घन, 8 की घात 3। सबका आंसर चाहिए, जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। बेटा ध्यान से करें, मुझे 8 का घन निकालना है, अभी बताया है मैंने। और ये जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं ना, प्लीज ध्यान से पहले आप सुन लिया करो, एक तो टाइम से क्लास में जुड़ा करो सभी बच्चे। 8 × 8 × 8 करो जरा, 8 का घन सभी बच्चे करिए, मुझे सबका आंसर चाहिए जितने प्रेजेंट हैं क्लास के अंदर। करिए जरा सभी बच्चे, अभी भी कभी काफी बच्चे रुके हुए हैं, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया, वेल डन, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। आठ का घन, एक तो ना मैं पहले ही बता रही हूँ, टाइम से क्लास को ज्वाइन किया करो, जो ये बच्चे अभी अभी जुड़े हुए हैं। क्लास को टाइम से आप लोग जुड़ते नहीं हो, टाइम आधी क्लास के बाद जुड़ते हो और फिर पोल में आंसर गलत करते हो आप लोग। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा, 5 सेकंड और, 5 4 3। मैम जी टाइपिंग नहीं चल रही। 2 1 0, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। अभी अभी मैंने बताया था, और अभी अभी हमने आप लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था कि 8 की घात 3 का मतलब 8 को 3 बार गुना करना, 8 × 8 = 64 होता है, 64 फिर उसके बाद एक और 8, तो 64 की गुना 8 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 64 की गुना 8 × 32, हासिल लगा 3, 8 × 6 = 48, 48 × 3 = 51, 512 आंसर आया है मेरे पास, 512 सी ऑप्शन। और अभी इससे पहले हमने बेटा ये क्वेश्चन भी किया है, जब हमने 512 का घनमूल निकाला था, और एक दो बच्चों ने तो 8 × 24 कर दिया। बेटा 8 × 24 क्यों करेंगे, घन का घात का मतलब क्या होता है, उतनी बार घातों को गुना करना। क्या मेरी बात समझ आई है या अभी भी डाउट है, फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी, जल्दी से बता दो, नहीं तो अभी मैं अभी से कि दोबारा तो नहीं रिपीट करना। सभी को समझ आया है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। 343 का घनमूल निकालना है आपको, घन मूल निकालना है 343 का। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा पहले 343 के,
ठीक है, 343 का घनमूल निकालना है। चलो पहले फैक्टर बनाओ, फिर तीन तीन के जोड़े बनाओ और फिर वहां से करिए। पहले देखो 343 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा। करिए जरा, 343 का घनमूल निकालना है आपको। तीन सौ तैतालीस का घनमूल निकालिए। पहले देखो किससे जाएगा ये, सबसे छोटा किससे जाएगा ये। देखो दो से जा नहीं सकता, तीन से जा नहीं सकता, चार से नहीं जा सकता, पांच से नहीं जा सकता, छह से नहीं जा सकता, सात से। देखो सात से करके देखो, सात से चला जाएगा ये। फिर आप करके देखो आगे बेटा, घनमूल निकालना है। मैं बार बार एक ही बात बता रही हूँ, वर्गमूल नहीं निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको आप तीन बार गुना करोगे और 343 आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, जितने प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से करो। तीन सौ तैतालीस का घनमूल निकालना है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, मुझे आंसर सबका चाहिए। बच्चों जितने बच्चे प्रेजेंट है सभी आंसर करेंगे। 343 का घनमूल निकालिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी मेरे सात आठ बच्चे रुके हुए हैं। चलो करो जल्दी जल्दी। तीन सौ तैतालीस का घनमूल, जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हैं, मुझे सबका आंसर करना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी, पांच सेकेंड और दे रही हूं, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। पांच, चार, तीन, दो, नहीं बेटा प्लीज, दो, एक, जीरो। होल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, 343 है, तो मैंने पहले ही बताया आप सात से जाएगा, सात एकम सात चौक अट्ठाईस, सत्तु सत्तु उनचास, फिर सात से जाएगा, सात एकम सात, है ना। तो आपके पास देखो, आपको पता है तीन का एक जोड़ा बनाता है, सात गुना सात गुना सात, जोगिंदर की आईडी से वेरी गुड बेटा, सात आपका आंसर है, यानी कि 43 का घनमूल क्या हुआ, सात हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको आपको ऐसे भी करके दिखाऊं घनमूल के उसमें, तो इस घन का मतलब होता है 343 की घात एक बटा
तीन, तो आप सात की घात तीन लिखोगे जिससे 143 बनेगा, तीन से तीन कट गया, सात आपका आंसर आ गया, है ना। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्या सबको घन और घनमूल समझ आया है या अभी और एग्जांपल लें? चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में। और जितने बच्चे प्रेजेंट है जो आंसर नहीं कर रहे हैं, बेटा ऐसा मत करो, आप अगर आंसर नहीं करोगे तो आपको ही डाउट होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर सबको समझ आ गया है तो। जैसे बेटा हमने देखा वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, अभी हम देखेंगे घातांकों के नियम क्या होते हैं। घातांक पढ़े थे ना, कि किसी भी संख्या की घात का मतलब होता है उस संख्या को उतनी बार गुना कर देना, है ना, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बेटा घातांकों के नियम, सबके ठीक है। सबसे पहला घातांक का नियम होता है कि अगर समझ लो मेरे पास, ये आपको याद है मैंने जब हमने घात पढ़ा था, दो की घात तीन का में दो क्या है, दो क्या होता है आधार होता है ना, और तीन क्या है हमारी यहाँ पर घात है। इसका मतलब क्या हुआ दो की घात तीन का, कि दो को आप तीन बार गुना कर दो जिससे हमारा दो की घात तीन का मान क्या आ जाएगा, आठ आ जाएगा, यही पढ़ा था ना हमने। अब मैं क्या बता रही हूँ कि अगर मेरे पास ऐसी संख्या है, ठीक है, जिसके आधार सेम है, मतलब दो की घात तीन की घात पांच है और यहाँ तीन की घात चार है, ऐसे दो नंबर है और आपस में गुना हो रहे हैं, ठीक है, तीन की घात पांच और तीन की घात चार, ठीक है, ये आपस में गुना हो रहे हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनके आधार सेम होते हैं, आधार समान होते हैं, उसमें क्या होता है घातें जो होती हैं वो आपस में जोड़ देते हैं उनकी घातों को, मतलब अगर मैं इनको गुना करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, तीन की घात पांच जमा चार, यानी कि तीन की घात नौ, ठीक है, ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। रूल क्या कहता है कि अगर किसी दो संख्याओं के आधार समान है, ए की घात एम है, ए की घात एन है और आपस में वो गुना हो रही हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे घातों को जोड़ देते हो, एम प्लस एन कर दोगे, ठीक है। देखो इसको मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको कैसे। देखो तीन की घात पांच का मतलब क्या हुआ, तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन, और तीन की घात चार का मतलब क्या हुआ, तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन, यानी कि कितनी बार तीन हो गए, नौ बार ना, तीन की घात नौ। देखो वैसे खोल के किया तब भी वही आ रहा है बेटा, और हमारा रूल क्या कहता है आधार सेम है तो घातों को जोड़ दो तो भी आपका वही आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? ये हमारा बेटा पहला रूल है, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, अगर आधार सेम है और बीच में गुना हो रहा है तो आप आधारों घातों को जोड़ देते हो। बताओ जरा सभी को समझ आया है या नहीं, यस और नो जल्दी से बता दो, यस और नो, ठीक है। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर, कि अगर बेटा मेरे पास एक संख्या है, ओके बेटा एक सेकंड दीजिएगा, स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट, बस स्क्रीन आ रही है आपके पास। ठीक है चलो, अभी आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, पांच की घात चार है और पांच की घात दो है, इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ जरा, खोल के भी जैसे अभी बताया था वैसे भी बताओगे और इस रूल का नियम का यूज करके भी बताओगे। चलो कॉपी में करो, कॉपियां दिखाओ जरा, कॉपी में करना और कॉपियां दिखाना बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
पांच की घात छह, बिल्कुल सही आंसर, तो बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन खोल के भी जब आप करोगे तब भी वही आएगा ना। यस पांच की घात, यस ब्रजेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। और बाकी बच्चे, जोगिंदर की आईडी से वेरी गुड, संदीप की आईडी से वेरी गुड। और बाकी बच्चे, सभी बच्चे बेटा दिखा दो, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आ गया, फिर दूसरा रूल बताऊंगी। आ गया क्या सभी को समझ? सबको समझ आ गया है? चलो अगला ले लेते हैं। मतलब क्या हुआ, पांच की घात चार प्लस दो यानी कि पांच की घात छह, और मैं देखो इसको खोल के करूंगी ना, तो पांच गुना पांच गुना पांच गुना पांच गुना दो गुना पांच गुना पांच, तो यहाँ से कितना हो गया, पांच की घात छह। तो ये तो था पहला नियम, अब बात कर लेते हैं दूसरे नियम की, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर सेम वही, अगर घात तो आधार सेम है, दो की घात तीन और दो की घात दो, या दो की घात पांच और दो की घात दो, ठीक है, लेकिन भाग हो रहा है, बीच में गुना नहीं हो रहा, भाग हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, बीच में गुना नहीं हो रहा, भाग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, आधार एक बार लिखेंगे और घातों को घटा देंगे, पांच में से दो घटा देंगे, तो क्या हो गया, दो की घात तीन, ये हमारा आंसर हुआ। देखो मैं खोल के भी बता रही हूँ कैसे, दो की घात पांच भाग हो रहा है ना, तो मैं दो की घात भाग में बटे में भी दो लिख सकती हूँ ना, भाग का मतलब तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं ना, ऐसे भी ऐसे भी, तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब हुआ पांच गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, पांच बार हो गया, बटे में नीचे दो बार दो लिख दो, है ना। अब देखो एक दो से एक दो कट गया, एक दो से एक दो बढ़ गया, कितने दो बचे, तीन ही तो दो बचे, तो दो की घात तीन आ गया। क्या मेरी बात समझ आई है, क्या मेरी बात समझ आई है, कैसे हमारा भाग करने पे हमारे को घटाना क्यों है, कैसे हमारी पावर कम हो गई है, घाते कम हो गई है। ठीक है ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन, अगर आ गया है समझ तो लिख लो जरा, रूल क्या कहता है, अगर मेरे पास a की घात m है, a की घात n है, तो हमारी क्या हो जाएंगी, घाते आपस में घट जाएंगी, है ना, यस घट जाएंगी, रूल लिख लो। ठीक है बहुत बढ़िया, चलो फिर बताओ जरा, सात की घात सात है, इसको भाग करना है सात की घात तीन से, चलो बताओ जरा, कॉपी में दिखा देना दोनों तरीके से, फार्मूला भी लगाओगे और पहले फार्मूला लगाओ मतलब रूल लगाओगे, और भाग जैसे भी मैंने करके दिखाया था ना खोल कर, वैसे भी करके बताओगे आप, सात गुना सात बटे में सात गुना सात सात बार लिखना, बटे में तीन बार लिखना, काटना और फिर भी दिखाना, चलो दिखाओ जरा। ठीक है दिखाओ कैसे करा, बहुत बढ़िया, संदीप की आईडी से वेरी गुड, ब्रजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे भी दिखा दो, सात की घात चार, ठीक है बेटा आंसर तो सात की घात चार ही आएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, जोगिंदर की आईडी से वेरी गुड, है ना। आपने क्या किया, सात की घात सात माइनस तीन कर दिया, सात की घात चार आ गया। अगर मैं इसको भाग करके दिखाऊं तो सात गुना सात गुना सात गुना सात गुना सात गुना सात गुना सात, है ना, सात बार लिख दूंगी, बटे में तीन बार सात, तो तीन तो कट जाएंगे, सात एक दो तीन ऊपर वाले, कितने बचे, सात की घात चार। ठीक है तो आपने डायरेक्ट फार्मूला भी लगा के देख लिया और सीधा भाग करके भी देख लिया। तो अभी तक हमने दो रूल देख लिए हैं, पहला रूल बेटा आधार सेम हो, घात और गुना हो रहा हो बीच में, तो घाते जोड़ देते हैं। दूसरा रूल देखा, अगर आधार सेम हो, घाते अलग अलग है और भाग हो रहा है बीच में, तो घातों को हम घटा देते हैं। ठीक है चलो अभी हम लेते हैं दूसरा, एक और नया रूल। एक और रूल क्या कहता है बेटा, अगर मान लो एक घात की घात हो, मतलब मेरे पास है दो की घात पांच और उसकी भी घात तीन, मतलब समझो दो की घात पांच और उसकी भी घात तीन, मतलब घात की भी घात हो, तो हम क्या करेंगे, देखो
पहले तो इसका मतलब समझो, तीन की मतलब किस, इस पूरे की घात तीन का मतलब क्या हुआ? ये जो अंदर वाली संख्या पूरी है, दो की घात पांच, इसको हम तीन बार लिख दें, यही मतलब हुआ ना इसका, है ना? और दो की घात पांच का मतलब हुआ दो को पांच बार लिख दो, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, है ना? ऐसे इसको दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, ठीक है? ऐसे एक इसको भी दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, ठीक है? पांच बार लिख दिया तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, दो की घात पंद्रह, ठीक है? दो की घात पंद्रह, ठीक है? ऐसे हमने जब इसको किया तो कितना आएगा, देख लो, दो की घात पंद्रह, ठीक है? अब ये रूल क्या कहता है, अगर किसी में एक संख्या की भी घात है तो आप क्या करो, घातों को गुना कर दो, ठीक है? पांच किया पंद्रह, दो की घात पंद्रह आ गया। देखो रूल क्या कहता है, ए की घात m है और उसकी भी घात n है, तो हम m into n कर देते हैं, जिससे वो mn बन जाता है, ठीक है? कैसे और क्यों हो रहा है वो मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कैसे हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? क्या मेरी बातें समझ आई हैं सभी को? यस और नो, जल्दी से बता दो कि घात की भी घात से क्या मतलब था, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर आ गई है तो ठीक है। अब मुझे इसका बताओ और इलेबोरेट करके कॉपी में लिख देना, तीन की घात दो है और उसकी भी घात तीन है, कितना आंसर आएगा और खोल के कैसे करोगे, दिखाओ करके कॉपी। तीन की घात दो और उसकी भी घात तीन, चलो। हाँ ठीक है, करो जरा, दो तीन की घात दो और उसकी भी घात तीन, करो जरा और कॉपियां दिखा दीजिएगा। जोगिंदर की आईडी से वेरी गुड, संदीप की आईडी से बेटा दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे करो। ठीक है बिल्कुल सही, और बाकी बच्चे भी दिखा दो। प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो बेटा हमने करा क्या, सिंपल सा मैंने आपको बताया कि अगर घात की भी घात है तो घातें गुना हो जाएंगी, तो तीन दुनी छह आ गया, है ना? तीन की घात छह, और वैसे अगर देखे तो इस पूरे की घात तीन है ना, तो तीन की घात दो गुना में तीन की घात दो गुना में तीन की घात दो, ठीक है? तीन बार लिख दिया क्योंकि उसके ऊपर घात तीन थी। अब इसका मतलब हुआ तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन, अब देख लो एक दो तीन चार पांच छह, तीन की घात छह हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? यस और नो? मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, फिर आप धीरे बोल रहे हो आज। बेटा मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो, पूरी क्लास खत्म होने के दो मिनट पहले आप ज्वाइन हुए हो, एम आई राइट और रॉन्ग? बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे एक बार सभी बच्चे बता दो। आ रही है मैम आवाज, एक बार आपने फोन की आवाज भी चेक कर लो, कई बार फोन की भी धीमी आवाज होती है बेटा। ठीक है मैम आवाज, ठीक है ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, आपके पास है पांच की घात चार और उसकी भी घात तीन, कितना आंसर आएगा बच्चों? अप्लाई करो रूल और फिर मुझे बताओ, पांच की घात चार और उसकी भी घात तीन, ठीक है बेटा? आप ऐसा करना, रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है? फिर जो डाउट हो मुझे बता देना, मैं डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है। आप क्या करोगे, पांच की घात चार गुना तीन, ठीक है? तो कितना होगा, पांच दिया मतलब चार दिया बारह, तो पांच की घात बारह,
बिल्कुल गई, सही बात बताई आपने। अच्छा अगर मैं इसे खोल के लिखूंगी बच्चों तो कैसे लिखूंगी, जरा दिखाओ अपनी अपनी नोटबुक्स। डॉक्टर रमेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, जोगिंदर की आईडी से वेरी गुड बेटा। अच्छा इसमें ना आप लोग एक स्टेप खत्म कर देते हो, है ना, आप पांच की घात चार को भी तीन बार पहले लिख के दिखा दो, फिर पांच की घात चार को आप चार चार बार लिख दो। हाँ बिल्कुल सही, प्रीति झांगरा की आईडी से, संदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ संदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि पांच की घात चार की घात तीन है ना, मतलब पांच की घात चार को आप तीन बार लिख दो, ठीक है। अभी क्या करो, अब इसको पांच बार लिख, चार बार लिख दो, पांच गुना पांच गुना पांच, फिर इसको लिखो पांच गुना पांच गुना पांच गुना पांच, फिर इसको लिख दो पांच गुना पांच गुना पांच गुना पांच, ठीक है। अब इसको गिनोगे ना तो ये कितना बन जाएंगे, बारह होंगे पांच, तो पांच की घात बारह, यहां से हमारे पास आंसर आया। तो बेटा आज हमने तीन, इसके हमने तीन रूल देखे हैं, जब हमारे दोनों आधार सेम हो और बीच में गुना हो रहा हो तो घाते जोड़ देते हैं। दूसरा रूल देखा, आधार सेम हो बीच में भाग हो रही हो और तो हम घातों को घटा देते हैं। उसके बाद अगर किसी आधार की घात है फिर उसकी भी घात है तो हम उन घातों को गुना कर देते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बता दो यस और नो। किसी को डाउट है क्या? ठीक है। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।